ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो मित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको दैनिक राशिफल बता रहे हैं। ये राशिफल है 14 अगस्त 2018, मंगलवार का दिन है। श्रावण मास का मंगलवार होने से मंगला गौरी व्रत इस दिन किया जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। चूंकि सायंकाल के समय चतुर्थी तिथि होने के कारण विनायक की चतुर्थी भी रहेगी। जो लोग दोनों पक्षों की चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके लिए भी व्रत की चतुर्थी रहेगी। इसलिए विनायक की चतुर्थी के दिन सायंकाल के समय भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि में चंद्रमा। और यदि हम दिशाशूल की बात करें तो मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहते हैं। इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करना वर्जित माना जाता है। और यदि इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो गुड़ खा करके उत्तर दिशा में जा सकते हैं, अन्यथा उत्तर दिशा में जाने से हानि या नुकसान की आशंका बनी रहती है। इस दिन जो है 12 राशि वालों का राशिफल कैसा रहने वाला है, 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना चाहिए, 12 राशि वालों को क्या खास सौगात मिल सकती है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कोई खास काम या चुनौती आपके लिए नहीं रहेगी, दिन सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई योजना बन सकती है और जो योजना बनेगी वह पूरी भी होगी। आज पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश और खरीदारी के अवसर आपको मिल सकते हैं। संबंधों में भी सुधार होगा। आराम करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लोगों की भलाई के लिए कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही बड़ा फायदा होगा। ऑफिस या फील्ड में किसी की बुराई करने से बचे, आपको नुकसान हो सकता है। ऑफिस में आपको किसी खास काम में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। आप किसी न किसी काम में उलझे हुए रह सकते हैं। वाहन का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें और उपाय के रूप में दही में काली मिर्च और थोड़ी सी शक्कर डाल करके यदि खाएंगे तो आपके लिए दिन अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। जो आप सोचेंगे वो आसानी से कर भी देंगे। व्यक्तिगत कामकाज में प्रगति होगी। आप जो नया कदम उठाएंगे समय आने पर उसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। ज़्यादातर जरूरी मामले आपके सुलझ सकते हैं। वाहन खरीदने का आपका विचार भी हो सकता है। सेहत में पहले से सुधार होगा। अतिरिक्त इनकम के लिए आप कोशिश करेंगे। बुद्धि से आप किसी भी उलझन को सुलझा लेंगे। अपनी बात से लोगों को सहमत करवाने में आप सफल रहेंगे। आपका मन लोगों से मिलने में ज़्यादा रहेगा। नए दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे। पुराने दोस्त भी आपका साथ पूरा पूरा निभाएंगे। पैसों की चिंता नए सिरे से आपके सामने आ सकती है। कुछ लोग आपसे पैसों की मदद मांग सकते हैं। आप न चाहते हुए भी कहीं पैसा अपना फंसा सकते हैं। सावधानी पूर्वक आपको निवेश करना चाहिए या फिर खर्चा करना चाहिए। लोगों की बातों और उनके दबाव में बिल्कुल ना आए। निवेश और लेन देन के फैसलों में आपको सावधानी रखना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप कोई भी सफेद वस्तु खा करके घर से निकलेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। अधिकारियों के साथ बातचीत में सुधार हो सकता है। यात्रा का कार्यक्रम आपका बन सकता है। ऑफिस और बिजनेस का ज़्यादातर काम आपका निपट जाएगा। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। परिवार और पैसों के मामलों में आप व्यस्त रहेंगे। कहीं छोटी मोटी यात्रा का योग बन रहा है। कोई बड़ा काम शुरू करने का मन भी आप बना सकते हैं। पूरी योजना की जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति पर हो सकती है। धैर्य रखेंगे तो आप सफल भी हो जाएंगे। महत्वपूर्ण कामों की प्लानिंग आज न करें, अन्यथा आपको नुकसान की संभावनाएं बनी रह सकती है। एक सिक्के के ऊपर हल्दी या फिर केसर लगा करके यदि आप मंदिर में चढ़ाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कितने ही दिनों से आपका जो काम चल रहा है, जो अचानक जो है अधूरा है, जो पैसों से संबंधित है, वह काम अचानक आज पूरा हो सकता है। इनकम बढ़ाने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। इसमें दूसरे लोगों की मदद आप करेंगे। पैसों के ज़्यादातर मामलों का निपटारा आपके अनुसार ही होगा। नौकरी धंधे में आपको सफलता मिलेगी। मकान और जमीन संबंधी काम आपके पूरे हो सकते हैं। कोर्ट संबंधित मामलों में सफलता मिलने का योग है। लक्ष्य को ध्यान में रखें, सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आपको समय पर साथ वालों की मदद मिलती जाएगी। कोई अच्छा मौका या ऑफर यदि मिले तो आप उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। उपाय के रूप में सफाई कर्मचारी को यदि पुराने कपड़े आप दान करेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
भविष्य की योजना बनाएं, पत्नी और बच्चों के साथ बातचीत करें और उनकी राय भी लें। किसी नए रिश्ते की बात हो सकती है। यदि आप शादीशुदा है तो आपका दिन और आपका जो है समय बहुत अच्छा रहेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, पैसों की समस्या दोस्तों की मदद से समाप्त हो जाएगी। किसी खास काम के लिए आपको दोस्तों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। थकाने वाला दिन आपके लिए साबित होगा। आज आप लोगों की बातों में आकर गलत फैसले भी ले सकते हैं। कोई भी फैसला सोच समझ कर ही ले, इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। पैसों को लेकर के किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। जल्दबाजी न करें और उपाय के रूप में यदि लाल रंग का कोई भी फल खा करके घर से आप निकलेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज आप चतुरता से उलझे हुए मामले सुलझा लेंगे, इससे आपके बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। दिन आपके लिए शुभ है, कामकाज में सुधार होने का योग है। जल्द ही कुछ अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। इस स्थिति का फायदा उठाने में देर न करें। आपके अच्छे व्यवहार से आपके निजी संबंधों में काफी हद तक सुधार हो जाएगा। मन की चिंता के बारे में भरोसेमंद लोगों से आप बात करें, अच्छी खबर और खुशखबरी आपको मिल सकती है। उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप घी का दीपक जला देंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आप सामाजिक कामकाज में उलझ सकते हैं। कुछ मामलों में आप काफी राहत महसूस करेंगे। छुट्टी मनाने या कहीं घूमने का मन भी आपका हो सकता है। जरूरी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे। शादी का ऑफर भी आपको मिल सकता है। सोचे हुए सभी काम आपके पूरे होंगे और कोई वाहन खरीदने का विचार भी आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। काम करने की आपकी थोड़ी इच्छा कम रहेगी। मन में जो है आलस्य का भाव उत्पन्न होगा। आलस्य न करें, फुर्ती रखें और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े। निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी और कई ऐसे विचारों में आप उलझ सकते हैं जिनमें आपको काम करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक तनाव या दबाव की स्थिति आपके साथ बन सकती है। कोई व्यक्ति आपको परेशान करने की कोशिश भी कर सकता है। घरेलू मामलों में भी आपकी उलझनें बढ़ सकती है। उपाय के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी को कच्चा दूध और उसमें जो है गंगा जल मिलाकर चढ़ाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दिन भर आपका उत्साह और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अच्छी खबर का आपको इंतजार रहेगा। मन की ज्यादातर समस्याएं समाप्त होगी। आज आप कई तरह के काम करना चाहेंगे। आपकी कोशिश सफल होगी। आप ज्यादा मेहनत करने के मूड में रहेंगे। माता पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा। अपनी सोच और विचार को जो है आगे लाने का कोशिश करें। कुछ कुल मिलाकर के दिन आपके लिए अच्छा है। आपकी सोच के अनुसार लोगों को आप सहमत करवाने का प्रयास करें। उनको समझाएं अपनी बातों के बारे में। आपको जो है वो अवश्य ही जो है पूरा महत्व देंगे। आपको धन लाभ और फायदा होगा। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी लेकिन निवेश पर आपको ध्यान देना होगा। पैसों की बचत आपके लिए बहुत अवश्य रहेगी क्योंकि खर्चे आपके ज्यादा होते जा रहे हैं और पैसा आपके पास बचता नहीं है। इसलिए आपको पैसों की बचत पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में कोई भी मिठाई या हलवे का आप भोग लगाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं। करियर में भी कुछ बदलाव के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आज आप बहुत ज़्यादा बात करने के मूड में रहेंगे। लोगों के साथ कई मामलों पर आपकी बातचीत हो सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ लंबी और महत्वपूर्ण चर्चा का योग बन रहा है। घर परिवार की परेशानियों पर ध्यान देना होगा। अपनी समस्याएं सुलझाने पर ध्यान दें। अपने ही लोगों से आपको मदद मिलती जाएगी। काम का दबाव कम होगा। ज़्यादातर काम समय पर पूरे होने से तरक्की के योग बन रहे हैं। आप थोड़े स्वभाव से चिड़चिड़े हो सकते हैं। परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है और कोई तनावपूर्ण स्थिति भी आज बन सकती है। फोन कंप्यूटर के मामले में आप परेशान हो सकते हैं और आपके पुराने दुश्मन जो है सक्रिय हो सकते हैं। संभल करके रहे। गुप्त शत्रुओं से आपको बच करके रहना चाहिए। कागजी कामकाज आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए और उपाय के रूप में किसी भी गरीब बच्चे को यदि आप पेन पेंसिल का या कॉपी का दान करेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। योग्यता के कारण आपकी तारीफ होगी। संतान से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके सोचे हुए रोजमर्रा के कुछ काम आज ही हो जाएंगे। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के अवसर आपको मिल सकते हैं। इनकम के तरीके बेहतर बनाने पर ध्यान दें। किसी खास काम के लिए कुछ लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश भी करेंगे। आलस्य और तनाव आपका बढ़ सकता है। पैसों को लेकर के ज्यादा जोखिम न ले। साथ काम करने वाले लोग आपके स्वभाव और व्यवहार या उदारता का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़े सावधान ही रहे। लेन देन और निवेश के मामले में आखिर समय तक
आपकी प्लानिंग बदल सकती है। उपाय के रूप में किसी भी सौभाग्यवती महिलाओं को यदि आप मिठाई का दान करेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। मनोरंजन में आप जो है सक्रिय रहेंगे, मनोरंजन के लिए आप समय निकालेंगे, आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा, कुछ बहुत जरूरी काम भी आपके पूरे हो सकते हैं, लोगों से बातचीत में आपको कुछ नई बातें पता चल सकती है। आज आप विरोधियों की कमजोरी या उनका जो है फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, कोई ऐसा काम भी आप कर सकते हैं जिससे आपका नाम हो सकता है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है, पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं, बातचीत करें और कन्फ्यूजन को दूर करें, अपने मन की बातें आप दूसरों से जो है अवश्य ही शेयर करें, इससे आपके जो है मन में हल्कापन बना रहेगा। आपको कुछ मामलों में किस्मत का साथ थोड़ा कम मिलेगा। दिन भर अच्छा होने के बाद भी आप तनाव महसूस करेंगे, खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, कामकाज की तरफ आपका ध्यान थोड़ा कम ही जाएगा, पैसों की स्थिति में थोड़ी कमजोरी हो सकती है। और उपाय के रूप में आज यदि आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों का तेल यदि दान करते हैं तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। भावनात्मक उतार चढ़ाव बना रहेगा, अपना व्यवहार लचीला रखें और सही समय आने का इंतजार करें, धैर्य से काम लें, लोग आपका ध्यान बांटने की कोशिश कर सकते हैं, आप अपनी बात साफ ढंग से रखेंगे और इसमें आप सफल भी हो जाएंगे। कोई ऐसा काम करें जिसमें एक साथ कई लोगों को फायदा हो, घर परिवार और जीवन साथी से संबंध पहले से अच्छे हो जाएंगे, रोजमर्रा के काम समय पर पूरे होंगे, तनावपूर्ण मौके पर संतुलन रखने में आप सफल हो जाएंगे, कुछ निजी परेशानियों में आप उलझ सकते हैं, परिवार और कामकाज में तालमेल थोड़ा कम रहेगा, अप्रिय विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी बातों को किसी से शेयर न करें, कोई काम बिगड़ने पर मायूस न हो, खर्चा और आलस्य ज्यादा रहेगा, परिवार में थोड़ी अनबन भी हो सकती है, वैचारिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उपाय के रूप में अंकुरित मूंग या हरी सब्जी आप खाते हैं तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।